नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गोपीचंद मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक महीने पहले सर्वे कहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे कि भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और राजस्थान में इस बार परिपाटी तोड़कर फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, यह जनता ने तय कर दिया है। सच की रफ्तार के संवाददाता अजीत लवाने की डूंगरपुर से रिपोर्ट। दोस्तों, देश विदेश की तमाम खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी न्यूज की नोटिफिकेशन। इसके कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनीतिज्ञों के प्रति एक विश्वास का संकट, जिसे अंग्रेजी में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी कहते हैं, वह भारत में पैदा हुई है। लेकिन उस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में कोई स्वीकार कर सकता है तो गोपीचंद मीणा जैसे लोगों की स्वीकार कर। मूड से तो लग रहा है कि आप लोगों ने गठबंधन बना लिया राजस्थान में, लेकिन वहां जो लोग खड़े हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, वहां जो लोग खड़े हैं दीवाल के पास, आप लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं? बना लिया है? तो बहनों भाइयों, मैं गोपीचंद जी मीणा से कहूंगा कि कभी एक आध साल में कभी भी, जब भी आपको फुर्सत मिल जाए, एक बार तो यदि आया हूं तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए इस बार को गोपीचंद मीणा जी, रिकॉर्ड तोड़ दीजिए मेरे भाई, और एक आध साल में कभी बुला लीजिएगा मुझे और मैं आऊंगा। बहनों भाइयों, गोपीचंद जी का स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, यही आऊंगा एक बार शीश झुकाकर यहां की समझदार जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, भूलिए मत। यदि राजनीति में लगातार अपने 55-60 वर्षों की हुकूमत में और आज भी मैं देखता हूं बहुत लोगों को, उनकी कथनी और करनी, कृति और